कहानी जादुई प्लेट। करण बहुत ही प्यारा और मासूम बच्चा था। हमेशा बड़ों को इज्जत देता था और दूसरों की मदद करता था। लेकिन करण के माता पिता 2 साल पहले गुजर गए थे। तब से वो अपनी नानी के साथ रहता था। करण की नानी काफी बूढ़ी हो गई थी, तो घर का काम कभी कभी करण को भी करना पड़ता था। करण को खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता था, पर वो जैसे तैसे अपने लिए और अपनी नानी के लिए खाना बनाया करता था। कभी कभी उन्हें कोई आस पड़ोस के लोग खाना लाके दिया करते। दोनों रूखा सूखा खा के जिंदगी गुजार रहे थे। करण अभी सिर्फ 10 साल का था, पर बाकी बच्चों की तरह वो कुछ चंचल नहीं था। कम खेलता और कम बात करता था। बाकी बच्चे भी उसे बहुत जिद कर खेलने ले जाते थे, पर करण का एक ही अच्छा दोस्त था जिसके साथ वो हमेशा खेलता था। एक दिन करण अपने दोस्त के घर खेलने गया, जो पड़ोस में ही थोड़ी दूर पर रहता था। खेलते खेलते दोपहर के खाने का वक्त हो गया, तो उसके दोस्त की मम्मी ने उन्हें खाना खाने बुलाया। करण ने जब खाने की टेबल देखी तो वहां उसकी मम्मी ने बहुत स्वादिष्ट पकवान बनाए थे और तरह तरह की मिठाइयां भी रखी थी। करण ने बहुत मजे लेकर खाना खाया और बहुत सारी मिठाइयां भी खाई। बहुत दिनों के बाद इतना मजेदार खाना खाकर करण बहुत खुश हुआ। शाम ढल रही थी, तो अब करण अपने घर के रास्ते चल पड़ा। चलते चलते वो एक पेड़ के नीचे से गुजर रहा था, तभी ये सोचने लगा कि अब घर जाकर रात का खाना मुझे ही बनाना पड़ेगा। फिर उसे उसकी माँ की याद आने लगी। काश माँ होती तो वो भी रोज नए नए पकवान बनाती, मुझे भी लजीज खाना खाने मिलता। ये कहकर करण उदास हो गया। और जिस पेड़ के नीचे से वो गुजर रहा था, उसके ऊपर एक परी बैठी थी। इस मासूम बच्चे की बात सुनकर परी को बहुत बुरा लगा और उसे करण पर बहुत तरस आया। वो उड़ते हुए पेड़ से उतरी और एक बुढ़िया का रूप लेकर करण के सामने आकर खड़ी हो गई। उसे अचानक अपने सामने देखकर करण थोड़ा सा डर गया। परी ने करण का हाथ पकड़ा और उसके हाथ में एक प्लेट थमा दी। करण को कुछ समझ नहीं आया, तो उसने उत्सुकता से अपने सामने खड़ी बुढ़िया से सवाल किया। आप कौन हैं और ये प्लेट क्या है? क्या आपको कुछ मदद चाहिए? हाँ बेटा, मैं बहुत बीमार और भूखी हूँ। तू मुझे कुछ खिला देगा तो मैं तुझे बदले में इनाम दूंगी। करण को बुढ़िया की हालत देखकर उससे इनाम की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन करण बुढ़िया की मदद करने के लिए तैयार हो गया। मेरे घर भी मेरी नानी रहती है, मैं उनके लिए खाना बनाता हूँ। आप मेरे साथ चलिए, आप भी हमारे साथ खाना खा लेना। बुढ़िया करण के साथ उसके घर जाती है और करण अब खाना बनाने लगता है। बुढ़िया करण की नानी से बात करती है और उसकी नानी करण की सारी कहानी बुढ़िया को बता देती है। करण बुढ़िया को उनकी दी हुई प्लेट में खाना लाके देता है। फिर सब साथ मिलकर खाना खाते हैं। खाना बिल्कुल अच्छा नहीं बना होता है, फिर भी सब खाना खा लेते हैं। खाना खाकर बुढ़िया करण की मासूमियत और अच्छाई से खुश हो जाती है और झट से एक परी बन जाती है। अचानक अपने सामने एक परी देखकर करण और उसकी नानी खुश हो जाते हैं। करण बेटा, तुमने मेरी मदद करके ये साबित कर दिया कि तुम कितने अच्छे और नेक दिल लड़के हो। तुम अपना काम खुद करते हो और दूसरों की भी मदद करते हो, इसलिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक इनाम है। ये जिस प्लेट में तुमने मुझे खाना दिया था ना, वो कोई आम प्लेट नहीं है, वो एक जादुई प्लेट है। क्या, एक जादुई प्लेट? और आज से ये प्लेट तुम्हारी है। तुम्हें जब भी कुछ खाने का मन करेगा, इस प्लेट के सामने आंखें बंद करके उसका नाम लेना। आंखें खोलने पर प्लेट उस खाने से भर जाएगी। तुम इसे जितना चाहो उतना खाना मांग सकते हो। ये सुनकर करण और उसकी नानी बहुत खुश हो जाती है। लेकिन 3 बातें याद रखना। पहली,
ये प्लेट सिर्फ तुम्हारी बात ही सुनेगी। दूसरी, इच्छा मांगते वक्त सभी की आंखें बंद हो। और तीसरी, ये राज किसी और को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो ये प्लेट एक मामूली प्लेट बन जाएगी। मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। परी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। करण और उसकी नानी परी के जाने के बाद प्लेट सामने रख कर खाना मांगने की कोशिश करते हैं। करण आंखें बंद करता है और कहता है, मुझे चाहिए गुलाब जामुन। और आंखें खोलते ही उनकी प्लेट गुलाब जामुन से भर जाती है। जादू तो काम करता है, ये देखकर करण और उसकी नानी बहुत खुश होते हैं और पेट भर के गुलाब जामुन खाते हैं। फिर प्लेट संभाल के रख देते हैं। अब करण और उसकी नानी रोज अच्छे अच्छे भोजन खाते। जो भी भोजन का नाम लेते आंखें खोलने पर वो सामने होता। अब करण को खाना भी बनाने की जरूरत नहीं, वो दोनों जादुई खाना खाकर ऐश से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। और करण कभी कभी अपने दोस्त को भी वो खाना खिलाता था। अब तो कई बार कोई पड़ोसी खाना लेकर आए तो ये दोनों उन्हें मना कर देते। अब पड़ोसी आपस में बातें करने लगे। लगता है इन लोगों को बहुत घमंड हो गया है, मैंने दो बार खाना भेजा इनके घर पर, वापस कर दिया। हाँ पता नहीं ये क्या खा रहे हैं, दोनों मोटे होते जा रहे हैं, कहीं कोई खजाना तो हाथ नहीं लगाया, अब हमारी मदद की जरूरत नहीं पड़ रही। दोनों पड़ोसी बातें करते करते हंसते हैं और मजाक उड़ाते हैं। एक दो दिन में ये बात करण के पड़ोस वाले दोस्त के घर भी होती है, तो उसका दोस्त घर में हो रही बातों को चुपचाप सुनता है और करण से जाकर पूछता है, क्यों भाई क्या बात है, आजकल तुझे खाना बनाते नहीं देखा, और तेरे घर काफी स्वादिष्ट चीजें भी खाने को मिल रही है, आखिर बात क्या है? लेकिन करण को याद था कि वो इस प्लेट का राज किसी से नहीं बता सकता था, नहीं तो वो जादुई प्लेट मामूली प्लेट बन जाएगी। ये सब सोचकर करण अपने दोस्त से कुछ नहीं कह पाता। अब करण के दोस्त के काफी बार पूछने पर भी करण कई दिनों तक इसी बात को टाले जा रहा था। उसके दोस्त को भनक लग जाती है कि करण उससे कुछ तो छुपा रहा है और वो अब इस बात का पता लगा के रहेगा। अगले ही दिन रात में खाने के वक्त उसका दोस्त चुपके से उसके घर के बाहर कान लगा के सुनता है कि ये लोग क्या बातें करते हैं, और तभी उसे करण की आवाज आती है, मुझे खाना है बिरयानी। उसके थोड़ी देर बाद फिर आवाज आती है, मुझे खाना है रसमलाई। करण के दोस्त को ये बात समझ नहीं आती, आखिर करण किससे खाना मांग रहा है। वो उस दिन अपने घर को चला जाता है, पर ये बात अब उसे पूरी समझनी थी। ये पता लगाने अब वो रोज उसके घर के बाहर खड़ा हो जाता और खाने के अलग अलग स्वादिष्ट नाम सुनकर उसके मुंह में भी पानी आने लगा। कभी कभी करण उसे कुछ चीजें लाकर खिलाता भी था, पर उसकी जिद थी कि उसे इस राज का पता लगाना है कि आखिर इतना लजीज खाना आता कहां से है। अब उसके बार बार पूछने पे भी करण सच नहीं बता रहा था। इस बात से उसे बहुत गुस्सा आता है और वो नई तरकीब लगाने लगता है इस राज को जानने का। ये आज भी करण के घर के बाहर छिपके खड़ा हो गया तो उसे पता चला करण घर पे नहीं है। इसे मौका मिल गया और ये घर में जाकर करण की नानी से कहता है, नानी आज करण को आने थोड़ा वक्त लगेगा, तो उसने मुझे भेजा है आपको खाना खिलाने, आप घबराइए मत, मुझे सब बता दिया है, मुझे बस खाने का नाम लेना है, मुझे पता है। करण की नानी हैरान हो जाती है कि ये राज तो किसी को नहीं बताना था, फिर करण ने इसे कैसे बता दिया। वो घबरा कर बोलती है, अरे पर प्लेट तो सिर्फ करण के बोलने पर ही खाना देती थी, तुम्हें क्यों बता दिया करण ने? अब क्या होगा, सब अच्छा चल रहा था, करण बस इतनी सी बात नहीं छुपा पाया, बेवकूफ लड़का। ये सब बोल के करण की नानी उसके दोस्त के सामने सब राज बोल देती है। ये राज सुन के वो प्लेट की तरफ लपकता है, तभी करण घर में आ जाता है। करण अपने दोस्त के हाथ में ये प्लेट देखकर हैरान रह जाता है और छीनने के लिए आगे बढ़ता है। करण का दोस्त प्लेट से बहुत सारे भोजन के नाम ले लेकर मांगते रहता है, पर उसे कुछ नहीं मिलता।
आखिर करण उसे प्लेट छीन लेता है, पर अब राज तो खुल जाता है। तब करण हार मानकर सारी बातें अपने दोस्त को बता देता है। उसके दोस्त को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, पर अब ये प्लेट एक मामूली प्लेट बन जाती है। अब करण को फिर से खाना बनाना पड़ता है, पर उसका दोस्त कभी कभी अपने घर से उनके लिए खाना लाया करता है और उनके साथ बैठ के खाना खाता है।